गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। एट्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर टू, एंड्रिकल्स एंड द लायन, क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज, इंग्लिश वर्कशॉप। आज हम इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटीज़ के साथ इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं एंड्रिकल्स एंड द लायन। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है, इसके आंसर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश वाज अ काइंड, जेंटल एंड कर्टियस मैन, कौन था? एंड्रिकल्स। तो यहाँ पर एंड्रिकल्स अंडरलाइन होना चाहिए था। इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज पुअर पीपल एंड अदर वेल्दी मैन यूज पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी पीपल used poor people as their slaves। ये आपको इसका आंसर समझना है। तीसरा, एंड्रिकल्स मास्टर वॉज, यहाँ पर हर्टलेस एंड विकेड, ये अंडरलाइन करना है। डैश वेयर बाउंडेड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर, स्लेव्स वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर। एक कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर्स भी साथ में दिए। वट डिड दिस लायन सीम्स टू टेल एंड्रिकल्स, लायन एंड्रिकल्स को क्या कहना चाहता था? द लायन सीम्स टू टेल एंड्रिकल्स टू हेल्प हिम, यानी लायन एंड्रिकल्स से कहना चाहता था कि वो उसे मदद करे। राइट द रिएक्शन डैट फॉलोड ईच ऑफ द एक्शन गिवन बिलो, यहाँ पर एक्शन जो है उसके आंसर साथ में ही दिए गए हैं। एंड्रिकल्स डिड नॉट लाइक दिस हिज क्रूएल मास्टर, यहाँ तक के था, इसका रिएक्शन क्या है? इसका रिएक्शन है सो ही फेल्ट डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच ए मास्टर एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर। सेकेंड बी, द लायन लुकड एट एंड्रिकल्स पिटियसली, इसके आगे इसका आंसर दिया है। सो एंड्रिकल्स पॉज्ड एंड देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन एंड सॉ दैट द लायन्स पाव वॉज वुंडेड सोर एंड स्वोलन। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स यानी अल्फाज की जिद, अपोजिट वर्ड लिखना है। काइंड यानी रहमदिल, क्रोयल यानी बेरहम, हैप्पी खुश, अनहैप्पी नाखुश, पुअर गरीब, वेल्दी अमीर, ब्रेव बहादुर, कावर्ड यानी डरपोक, स्लेव यानी गुलाम, मास्टर यानी आखा, हाई यानी बड़ा ऊंचा, लो यानी नीचा। अब ये फ्रेजेस हैं, उसके मीनिंग से उसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आंसर्स यहाँ पर दिए हैं साथ में ही। लुकिंग आउट फॉर, ट्राइंग टू सर्च फॉर, फेस टू फेस, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, समन अप करेज, ट्राई टू बी ब्रेव, टू टेक शेल्टर, टू गो समवेयर, टू कवर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्सुअल ग्रामर, आइडेंटिफाई द टेंसेस, टेंसेस पहचानना है। ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर, एस्केप्ड तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, वॉज वॉन्डरिंग ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पर्सनल रेस्पॉन्स है, इसका क्वेश्चन दिया है। वट डू यू थिंक अबाउट द एंड्रिकल्स, आप एंड्रिकल्स के बारे में क्या सोचते हैं? वट क्वालिटीज डिड ही पजेस, वो कौन सी खसूसियात एंड्रिकल्स में थी? आई थिंक एंड्रिकल्स वॉज अ वेरी काइंड मैन, मुझे लगता है कि एंड्रिकल्स एक बहुत ही रहमदिल आदमी था। सो वेन ही सॉ द लायन इन पेन, जब उसने शेर को दर्द में देखा, ही डिड नॉट थिंक अबाउट हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। वेर इज ही थाट अबाउट लायंस डिस्ट्रेस एंड ट्राइड टू हेल्प हिम, उसने शेर की तकलीफ के बारे में सोचा, डिस्ट्रेस के बारे में सोचा और कोशिश की कि उसकी मदद करे। सो इन आर लाइफ टू, तो हमारी ज़िंदगी में भी वी शुड हेल्प द पीपल इन डिस्ट्रेस, हमें लोगों की मदद करना चाहिए जो तकलीफ़ में हो। ही वॉज काइंड, कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिव, ब्रेव, करेजियस एंड फ्रेंडली बाय नेचर, वो रहमदिल था, लोगों की मदद करने वाला था, मददगार था, अंडरस्टैंडिंगबल यानी समझदार था, सेंसिटिव यानी हसास था, ब्रेव बहादुर, करेजियस हिम्मत वाला, एंड फ्रेंडली और दोस्ताना बर्ताव रखने वाला। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है, करेक्ट अल्टरनेटिव से जवाब लिखना है। एंड्रिकल्स एंड द लायन फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द, अब यहाँ पर आंसर क्या है? द सोल्जर्स,
या तीन है, द सोल्जर्स, द हंटर्स, द किंग्स। तो आंसर क्या है, डायरेक्टली दिया है द सोल्जर्स। द लायन लिक्ड एंड्रिकल्स आर्म टू शो ग्रैटिट्यूड। लायन ने क्या किया, अपना एंड्रिकल्स के सामने अपना आर्म रख दिया था, तो क्या शो लव, शो ग्रैटिट्यूड, शो हेट, तो शो ग्रैटिट्यूड इसका आंसर है। इन दोज डेज पीपल हु वर फंड टू बी गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट। उन दिनों में जब किसी को बहुत ही बड़े बड़े जुर्म में पकड़ लिया जाता तो उसे जंगली जानवर के हवाले कर दिया जाता, वाइल्ड टाइगर्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बीस्ट। तो ये आंसर क्या है, वाइल्ड बीस्ट। दे पुट एंड्रिकल्स इन चेन्स इन अ प्रिजन। उन्होंने चेन बांधकर एंड्रिकल्स को जेल में रख दिया, इन अ प्रिजन। आंसर क्या है, प्रिजन। या तीन ऑप्शन है, अ प्रिजन, अ केज, अ किंगडम। अ प्रिजन आंसर है। वाई वॉज द लायन इन पेन, यानी लायन पेन में क्यों था, ये फिर से ए वन एक्टिविटी का क्वेश्चन है। अ बिग थॉर्न हैड पियर्ड ऑन ऑफ द लायंस टो सो इट वॉज इन द ग्रेट पेन। यानी कि उसके उसकी एड़ी में क्या हो गया था, एक बहुत ही बड़ा कांटा चुभ गया था, बिग थॉर्न, जो जिसकी वजह से लायन बहुत ज़्यादा पेन में था, दर्द में था। हाउ डिड एंड्रिकल्स नर्स द लायंस वुंड। एंड्रिकल्स उस शेर के जख्म को उसने कैसे दुरुस्त किया। एंड्रिकल्स पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम द पॉ इन द लेफ्ट इन हिज लेफ्ट हैंड डिफ्टली। एंड्रिकल्स ने क्या किया, उसके पैर में चुभा हुआ कांटा पा यानी पंजे में से काटा बहुत अच्छे से निकाल लिया। देन विथ अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग ही बाउंड अप द इंजर्ड पा। फिर उसने अपना कपड़ा फाड़ा जिस्म का और उससे एंड लायन के जो पंजा था उसको बांध दिया। ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड। और वो क्या किया करता था, उसका जो शेर का जो जख्म था उसे ड्रेस किया करता, साफ किया करता। ही रिमेंड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। वो उस वक्त तक वहाँ रहा जब तक कि लायन चलने ना लगे। दस ही नर्स द लायंस वुंड। और इस तरह उसने शेर के जख्म को भर दिया। राइट द रिएक्शन डैट इज फॉलोड द एक्शन गिवन बिलो। अभी आंसर्स डायरेक्टली दिया है। एंड्रिकल्स बैंडेज द लायंस इंजर्ड पा। इसका रिएक्शन क्या है, सो द लायन लिफ्ट हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड विच सरप्राइज एंड वांडर्ड एंड्रिकल्स। तो ये इसके फौरी कामों के बाद में उसका रिएक्शन भी दिया है। नेक्स्ट, वोकैबुलरी के आंसर्स हैं। फाइंड आउट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। आंसर्स डायरेक्टली दिए हैं। एंड सिनोनिम्स क्या होते हैं, हम मानी लफ्ज है, एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स है। स्किलफुली, डेफ्टली, मार्वल, वंडर, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, सीज, कैप्चर। स्किलफुली यानी महारत से, मार्वल यानी बहुत ही ज़्यादा जो अजूबा होता है, थैंकफुलनेस एहसान जताना, सीज यानी पकड़ लेना। एक्टिविटी बेस्ड ऑन कंटेक्सचुअल ग्रामर, यूज टू का इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए इसमें वुड की जगह यूज टू इस्तेमाल करते हैं। ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड एवरी डे। वो रोज़ाना शेर के जख्म को साफ किया करता। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट। वो क्या करता, जंगल में जाकर शिकार करता और उस बेमदद जानवर को क्या करता, खाना खिलाता। अब वो वुड की जगह ही यूज़ टू क्लीन, ही वुड क्लीन, ही यूज़ टू क्लीन, ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, ही यूज़ टू हंट इन द फॉरेस्ट, इस तरीके से करेंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स है, इज़ इट गुड टू हेल्प द एनिमल्स एंड बर्ड्स, व्हाई। बिल्कुल सही है, यस इट इज़ गुड टू हेल्प द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। ये अच्छा है कि हम एनिमल्स एंड बर्ड्स की मदद करें, बिकॉज दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स लाइक अस, क्योंकि उनको भी हमारी तरह एहसास होता है। वी कैन एक्सप्रेस आर फीलिंग्स इन आर वर्ड्स। हम अपने फीलिंग्स को, हमारे एहसास को हम अल्फाज से बयान कर सकते हैं, बट दे कांट डू डैट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। तो हमें उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। एंड हेल्प देम व्हेनेवर दे नीड हेल्प। और उनकी मदद करना चाहिए जब भी उन्हें ज़रूरत हो। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि उनकी हम हिफाजत करें, प्रोटेक्ट करें। एनी काइंड ऑफ डेंजर एज दे आर द पार्ट ऑफ आवर फूड चेन। चूँकि वो हमारे गजाई जंजीर का एक हिस्सा है। एंड दे ब्यूटिफाई द नेचर। और वो क्या करते हैं,
फितरत को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है, ये डायरेक्टली आंसर दिए ट्रू फॉल्स के। द लायन वॉज रिलीज टू अ फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ, ट्रू। द लायन हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस, ट्रू। द एम्परर मेड एंड्रिकल्स हिज स्लेव अगेन, फॉल्स। द लायन किल्ड एंड्रिकल्स एट द एंड, फॉल्स। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है, व्हाट डिड एंड्रिकल्स फील आफ्टर ही वॉज ब्रॉट टू द अरेना, एंड्रिकल्स को क्या महसूस हुआ जब उसे सामने लाया गया। When Andricles was brought to the arena, he was filled with fear but showed that he was not afraid. वो यानी वो डर गया था लेकिन वो अपना डर नहीं जाहिर कर रहा था। अब यहाँ रिएक्शन लिखना है, द हंग्री फ्रेशियस लायन वॉज रिलीज इन टू द अरेना। इसका आंसर क्या है? सो Andricles वॉज फिल्ड विथ फियर बट ही शोड ही वॉज नॉट अफ्रेड। उसके बाद थर्ड ऐसा है, उसका सेकेंड है, द लायन रीच Andricles एंड देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड। All its rage seemed to have melted and it recognized its friend. Third, when the emperor asked Andricles what other reward he would like, comma, इसका reward क्या है? Answer है, he replied that he didn't want anything for himself but he wanted the lion to be set free, यानी lion को आज़ाद कर दिया जाए। Activities based on vocabulary, ये words and meanings के phrases और उसकी meaning के यहाँ पर answer दिए गए हैं। अगले स्लाइड में हम इसके आंसर भी देखेंगे। रेज मेल्टेड, बी रिमूव, बी मूव्ड बाय, फिल्ड विथ फियर, इन ग्रेट वंडर। चलिए देखते हैं आंसर्स। रेज मेल्टेड, एंगर वैनिश्ड, बी मूव्ड बाय, फिल्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग्स, फिल्ड विथ फियर, गॉट फ्राइटेंड, इन ग्रेट वंडर, टू सरप्राइज। अभी एंटोनिम्स है, इसके आंसर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं। पनिशमेंट यानी सज़ा, रिवार्ड यानी इनाम, अनबाउंड यानी बंधा हुआ, बाउंड यानी अनबाउंड यानी आज़ाद, बाउंड यानी बंधा हुआ, टेंडर यानी नाजुक, टफ यानी बहुत ही ज़्यादा सख्त, हैप्पी यानी खुश, डिसमेड यानी उदास। एक्टिविटी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस, द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट। द एम्परर सब्जेक्ट, अराइव्ड एट द सर्कस प्रेडिकेट, द टू फ्रेंड्स सब्जेक्ट, वेंट बैक टू द फॉरेस्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी खबर और मुब्तदा, सब्जेक्ट यानी यहाँ मुब्तदा है और प्रेडिकेट यानी खबर है। चलिए पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर है, इवन वाइल्ड एनिमल्स कैन बी आर फ्रेंड्स, एक्सप्लेन। Yes, even wild animals can be our friends because they have them. Definitely, they will not be cruel with us. यानी wild animals भी हमारे दोस्त हो सकते हैं, वो हमारे साथ जालिम नहीं होते, कब जब तक कि उन्हें छेड़ा ना जाए। They know how to give reaction to our action, और वो जानते हैं कि हमारे हरकत पर कैसा हरकत करना है, रद्द अमल ज़ाहिर करना है। If we treat them cruelly, डेफिनेटली दे विल बी क्रोयल विथ अस, अगर हम उनके साथ ज़ालिमाना बर्ताव करेंगे तो वो भी हमारे साथ ज़ालिम हो जाएंगे। एंड इफ़ यू ट्रीट देम फ्रेंडली, अगर हम उनके साथ दोस्ताना बर्ताव करेंगे, एंड अफेक्शनेटली दे कैन बी आवर फ्रेंड्स, वो भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक